क्या आपको पता है जब भी हम चुटकी बजाते हैं तो वो आवाज कहाँ से आती है? और कुत्ते सिर्फ चार कलर को ही देख पाते हैं, उनको चार कलर के अलावा दूसरा कोई कलर नहीं दिखता। और जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? और जो ऊंट होते हैं वो अपने शरीर में पानी कहाँ पे स्टोरेज करते हैं जिनसे उससे 10-15 दिन प्यास नहीं लगती? और क्या आपने कभी गैस डिटेक्शन के बारे में सुना है, जो हमारे ब्रेन में एक सेंस होती है? और दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजिन कौन सा था? इस वीडियो में आप ऐसा फैक्ट जानोगे कि आपकी जीके पावर बूस्ट हो जाएगी। नंबर वन, हम सभी ने कार्टून शो तो बहुत देखे होंगे और सभी कार्टून के पीछे वॉइस होती है। उन सभी कैरेक्टर के पीछे एक वॉइस आर्टिस्ट होता है जो कार्टून की आवाज निकालता है। वैसे सभी कार्टून के अलग अलग वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन डिज्नी का जो फेमस मिकी माउस शो के कैरेक्टर मिकी एंड मिनी के वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो दोनों पति पत्नी है। वैन एल्विन 1977 से डिज्नी स्टूडियो में मिकी की आवाज़ निकाल रहे थे और उसी स्टूडियो में 1986 में रूसी टेलर आई जो मिनी की आवाज़ निकाल रही थी और 1991 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर टू, बहुत सारे मच्छर और बग्स इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं लेते। हम कितने भी इंसेक्ट स्प्रे कर ले या कितनी भी दवाई छिड़क ले, वो जाते ही नहीं। अगर हमें किसी भी इंसेक्ट या मच्छर को भगाना है तो लेवेंडर ऑयल और लेमन ग्रास ऑयल का उपयोग करें तो सभी तरह के इंसेक्ट और मच्छर तुरंत भाग जाते हैं। अगर किसी गार्डन में बग्स का प्रॉब्लम हो और वहाँ पर लेमन ग्रास और लेवेंडर का प्लांट लगाया जाए तो वहाँ पे एक भी इंसेक्ट नहीं रहते। नंबर थ्री, अमेरिकन मिलिट्री 1960 से डॉल्फिन मछली को प्रशिक्षित कर रही है। ये मिलिट्री डॉल्फिन समुद्र के अंदर जाके खदानों का और समुद्र से आने वाले दुश्मनों का पता लगा लेती है। नंबर फोर, चिंपांजी और बंदर इंसान के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और उनके फिंगर ह्यूमन जैसे होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कोआला एनिमल उनके फिंगरप्रिंट सेम इंसान के फिंगरप्रिंट जैसे ही होते हैं। नंबर फाइव, कुछ लोगों का मानना है कि कुत्ते सिर्फ काले और सफेद रंग को ही देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में कुत्ते पीले और हरे रंग को भी देख सकते हैं। हम इंसान सभी कलर को देख सकते हैं क्योंकि हमारी आंखों में रॉड्स और कॉन्स होते हैं जिससे हमें सभी कलर दिखते हैं, लेकिन कुत्ते की आंखों में रॉड्स और कॉन्स दोनों नहीं होते, सिर्फ कॉन्स ही होते हैं जिससे सिर्फ येलो और ग्रीन ही देख सकते हैं। अगर कुत्ते को लाल रंग दिखाया जाए तो उन्हें वो कलर लाल नहीं बल्कि वो हरा दिखने लगता है। नंबर सिक्स, एक रिसर्च के अनुसार सभी ऑफिस के वर्क डेस्क पे एक टॉयलेट से भी ज़्यादा जर्म्स मौजूद होते हैं। हमारे डेस्क के ऊपर पर स्क्वायर इंच पे 21,000 बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और एक कीबोर्ड पे 3,300 बैक्टीरिया और माउस पे 1,700 जर्म्स और हमारे फ़ोन पे 25,000 के आसपास जर्म्स होते हैं। नंबर सेवन, 1952 में इजराइल के पहले राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो गई तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट करने के लिए और नए उम्मीदवार को चुनने के लिए फॉरेन मिनिस्टर को ये काम सौंप दिया। इजराइल के एम्बेसडर ने महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये प्रस्ताव रख दिया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कह दिया कि मेरे पास ज़रूरी अनुभव और कॉन्फिडेंस नहीं है। नंबर एट, क्या आप रोनाल्ड रीगन को जानते हो? वो व्यक्ति यूएस के 40वें प्रेसिडेंट है और इनको दुनिया का बेस्ट लाइफगार्ड माना जाता है। लाइफगार्ड वो होते हैं जो इमरजेंसी संकट में किसी की जान बचाते हैं। इन्होंने एक बार लोवल पार्क समुद्र तट पर से 77 लोगों को पानी में से निकाल के जान बचाई थी। नंबर नाइन, ऊंट को अगर 10-15 दिन पानी नहीं मिलता फिर भी वो बिना पानी के बहुत सी धूप और रेत में चलते रहते हैं। सभी लोगों का मानना ये है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा कर देता है, लेकिन नहीं, वास्तव में ऊंट का जो कुबड़ होता है वो फूड स्टोरेज के लिए होता है और उनके कुबड़ से ऊंट के शरीर का तापमान कंट्रोल होता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऊंट पानी को कहाँ पे स्टोरेज करता है? असल में ऊंट जब पानी पीता है तो वो उनके ब्लड के साथ साथ स्टोरेज होता है और उनके कुबड़ में नहीं होता। नंबर टेन,
क्या आपने कभी गैस डिटेक्शन के बारे में सुना है? ये एक तरह का सेंस हमारे ब्रेन में होता है। अगर हमें कोई घूर रहा है तो हमारे ब्रेन की कुछ कोशिकाएं, मतलब कुछ ब्रेन सेल्स जलने लगते हैं और हम तुरंत महसूस करने लगते हैं कि हमें कोई घूर रहा है और हम आगे पीछे देखने लगते हैं। नंबर 11, जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम कितना भी आंखों को ढक ले फिर भी आंखें जलने लगती है और आंसू आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्याज में लैक्रिमेटरी फैक्टर सिंथम नाम का एक एंजाइम होता है जो प्याज में एमिनो एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित करता है, और जब भी हम प्याज काटते हैं तब सल्फ्यूरिक एसिड अस्थिर हो जाता है, और जैसे ही हमारी आंखों में एसिड जाता है तो हमें जलन होती है और आंसू भी आते हैं। नंबर 12, अभी तक दुनिया का सबसे लाउडेस्ट साउंड 1883 में रिकॉर्ड किया गया था। इंडोनेशिया के पास क्रकाटोआ ज्वालामुखी जब फटा था तब कान फटने जैसी आवाज के साथ ये ज्वालामुखी फटा था, जिसकी आग 50 किलोमीटर दूर तक फैली थी, और ये धमाकेदार आवाज 5000 किलोमीटर दूर तक ऑस्ट्रेलिया के द्वीप तक सुनाई दी थी, और ये दुनिया की सबसे लाउडेस्ट आवाज थी। नंबर 13, क्या आपने कभी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है? अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो नई किडनी को शरीर में स्वैप करते हैं, लेकिन वास्तव में जब भी डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो किडनी को स्वैप नहीं बल्कि नई किडनी को जोड़ देते हैं और पुरानी किडनी को वैसे के वैसे रखते हैं और उनके आसपास नई किडनी को कनेक्ट कर देते हैं। नंबर 14, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे पूरे शरीर में 300 हड्डियां होती है, और जैसे उम्र बढ़ती है जब एडल्ट होते हैं तब 206 हड्डियां हो जाती है, और हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। नंबर 15, क्या आपको पता है घर में दिखने वाली मक्खियां होती है उनकी उम्र सिर्फ 1 या 2 महीना होती है, ज्यादा से ज्यादा वो 2 महीने तक जिंदा रहती है। नंबर 16, इमेजिन करो बिना गूगल इंटरनेट पे क्या हम कुछ खोज सकते हैं? नहीं, हमें किसी भी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट एड्रेस डालना पड़ता था। 90 के दशक में दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजिन अलन एंड्रेज स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था आर्ची क्वेरी फॉर्म। ये दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजिन था जिसको 1990 में बनाया गया था। नंबर 17, चार्ली चैपलिन को मॉक मूवी में इतनी सफलता मिली, मतलब जो बिना आवाज की मूवी होती है उसमें उनको इतनी सफलता मिली कि टॉकीज आने के बाद भी, मतलब आवाज वाली मूवी आने के बाद भी वो बहुत लोकप्रिय थे और उनकी मूवी बहुत पैसा कमा रही थी, और उनकी मॉक मूवी अभी भी पैसा कमा रही है। चार्ली चैपलिन टॉकीज मूवी नहीं करते थे क्योंकि उनको बोलने की स्किल नहीं थी और उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो मॉक मूवी ही करते थे। 1940 में पहली मूवी चार्ली चैपलिन की आई थी जिसमें उन्होंने ऐसी स्पीच दी थी कि उन्होंने सभी आलोचकों को चुप करा दिया। नंबर 18, 2009 में स्टीफन हॉकिंस ने पार्टी रखी थी, लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं थी बल्कि सिर्फ टाइम ट्रैवलर के लिए ही थी, और उनका यह मानना था कि फ्यूचर में से टाइम ट्रैवलर आएंगे, और उन्होंने बहुत बड़ा बैनर भी लगाया था जिसमें लिखा था वेलकम टाइम ट्रैवलर, लेकिन अफसोस कि उस पार्टी में कोई नहीं आया। नंबर 19, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एक अमेरिकन गनर चलते हुए प्लेन में से 22,000 फीट ऊपर से जर्मन के एक स्टेशन के कांच की छत पर गिर गए बिना पैराशूट के, फिर भी उन्हें कुछ हुआ नहीं और वो 2 साल तक युद्ध बंदी रहे। नंबर 20 से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 20, क्या आपको पता है जब भी हम चुटकी बजाते हैं तब एक जोर सी आवाज़ आती है? वो आवाज़ हमारे फिंगर रगड़ने से नहीं बल्कि हमारी दूसरे नंबर की फिंगर जो मिडल फिंगर होती है वो हाथ में टकराती है, इसलिए आवाज़ आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।